अगर आप 4 पॉइंट बाय शेरेटन होटल न्यू दिल्ली में स्टे करने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा होटल के ब्यूटीफुल इंटीरियर्स, होटल रूम का टूर, रूम की सब फैसिलिटीज़ और फ्री आइटम्स, होटल के रेस्टोरेंट और बार की डिटेल्स, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, बुफे की डिटेल्स, फुल मेन्यू की डिटेल्स और कॉस्टिंग की डिटेल्स, गेस्ट फैसिलिटीज़, इंडोर आउटडोर गेम्स और बहुत कुछ जो आपके किड्स यहाँ इस होटल के अंदर आके एंजॉय कर सकते हैं। बट पूरी डिटेल्स बताने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को थम्स अप क्लिक करके लाइक करें। 4 पॉइंट्स बाय शेरेटन न्यू दिल्ली और गुड़गांव के बॉर्डर पर सिचुएटेड है और ये मैरियट ग्रुप के 4-स्टार प्रॉपर्टी है। इस होटल का पार्किंग एरिया ओपन में है, जो कि काफ़ी बड़ा और स्पेशियस है। न्यू दिल्ली एयरपोर्ट इस होटल से जस्ट 15 मिनट्स अवे की ड्राइव पे है। एंट्रेंस पे गार्ड आपकी फिजिकल स्क्रीनिंग करता है और आपका सारा लगेज इलेक्ट्रिक स्क्रीनिंग में जाता है। यहाँ पे फ्रंट डेस्क रिसेप्शन 24 आवर्स वर्क करता है अपने गेस्ट को ईजी और फ्लेक्सीबल चेक इन चेकआउट फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए। यहाँ का स्टाफ काफ़ी कोऑपरेटिव और हेल्पफुल है। यहाँ के रूम टाइप में आपको कंफर्ट रूम, प्रीमियर रूम और डीलक्स रूम मिल जाते हैं, जिनकी कॉस्ट 4000 से स्टार्ट होती है और 10000 तक जाती है। इस होटल के इंटीरियर्स मॉडर्न हैं और आपको एक सोबर रॉयल सी फील देते हैं। चेक इन के बाद आपको ये लॉबी एरिया क्रॉस करना होता है, जहाँ आप सोफ़ा या कम्फर्टेबल चेयर्स पर चिल आउट कर सकते हैं। ये होटल एक रिजॉर्ट की फीलिंग देता है, क्योंकि होटल चारों ओर से लश ग्रीन गार्डन से कवर्ड है, जहां जाके आप आउटडोर गेम्स खेल सकते हैं और रिलैक्स कर सकते हैं। इसकी डिटेल्स मैं वीडियो में आगे आपको दूंगा। होटल का स्टैंडर्ड चेक इन टाइम है 2 बजे और चेकआउट टाइम है 12 PM। होटल में आपको फ्री हाई स्पीड वाईफाई अवेलेबल है, जो काफ़ी अच्छा वर्क करता है। व्हीकल पार्किंग स्पेस कॉम्प्लीमेंट्री है और एकदम फ्री है। इस होटल में एक ही फ्लोर है, जिस पर 69 रूम्स अवेलेबल हैं। रूम में आपको 24 आवर्स रूम सर्विस और फूड ऑप्शंस मिल जाते हैं। होटल के डिफरेंट एरियाज में आपको काफ़ी मॉडर्न आर्ट, यूनिक डेकोरेशंस और एंटीक स्टाइल शो पीसेस दिख जाते हैं, जो इस होटल को एक रॉयल फील देते हैं। इस होटल में 3 हॉल्स हैं उत्सव के नाम से, ईटरी और बार, रेस्टोरेंट्स है, फिटनेस सेंटर है और रूम्स हैं। होटल के अंदर साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा गया है। होटल के अंदर स्मोक फ्री पॉलिसी इम्प्लीमेंटेड है, तो आप इंटरनली स्मोक नहीं कर सकते और पेट्स भी यहाँ पे नहीं ला सकते। होटल में कोविड रिलेटेड प्रिकॉशंस का पूरा ध्यान रखा गया है और हैंड सैनिटाइजर्स इंस्टॉल किए गए हैं अलग अलग लोकेशंस में, और इवन आपके रूम के अंदर भी आपको सैनिटाइजर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। ये लॉबी एरिया क्रॉस करके आप फूड एरिया में जाते हैं। ये फ्रेस्को बार एंड लाउंज है, जहां आप अपनी फेवरेट ड्रिंक एंजॉय कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। अगर आपको सुपर फूड एंजॉय करना है तो ये द ईटरी रेस्टोरेंट में ज़रूर आएं, जो कि ऑल डे डाइनिंग रेस्टोरेंट है, जो आपकी ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर बुफे की फैसिलिटी देता है, साथ ही साथ आपको अलाकाटे भी सर्व करता है। बट फूड डिटेल्स मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। चलिए अब चलते हैं अपने रूम की तरफ। रूम में आपको कंफर्टेबल किंग साइज बेड मिलता है और साथ में 4 पिलोज मिलते हैं। यहाँ के बेड काफ़ी कंफर्टेबल हैं और काफ़ी रिलैक्सिंग हैं। बेड के साइड में आपको टेलीफोन मिलता है, जिससे आप फ्रंट डेस्क, रूम सर्विस या रेस्टोरेंट कॉल कर सकते हैं। होटल आपको हैंड क्लीनिंग वाइप्स भी देता है और एक सर्टिफिकेट डिक्लेरेशन कि रूम की क्लीनलीनेस होटल के स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रख के की गई है।
बेड के दूसरे साइड आपको साइड टेबल, चार्जिंग पॉइंट्स, क्लॉक और अलार्म क्लॉक मिल जाती है। रूम में आपको कलर टीवी, मिनी बार, मल्टी कंट्री चार्जिंग सॉकेट स्विचेस, सिंगल सोफा सेट विद राउंड टेबल, स्टडी टेबल विद कंफर्टेबल चेयर और स्टडी लाइट मिल जाती है। रूम के अंदर काफ़ी सारी पिक्चर्स लगी हैं जो कि एक मॉडर्न लुक देती हैं अपने रूम को। कोविड को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे साफ सफाई रेगुलर की जाती है डेली बेसिस पे। यहाँ पे आपको एक वेलकम लेटर भी मिलता है होटल की तरफ से, जिसमें होटल की फैसिलिटीज की डिटेल्स और रूम के फूड मेन्यू के लिए स्कैन कोड दिया गया है, जिसको स्कैन करके आप 24 आवर्स फूड मेन्यू देख के ऑर्डर कर सकते हैं। रूम में आपको दो फ्री कॉम्प्लीमेंट्री वाटर बॉटल्स मिलती हैं डेली बेसिस पे, इलेक्ट्रिक केटल मिलती है टी और कॉफ़ी बनाने के लिए, डिफरेंट टाइप की शुगर्स, टी, कॉफ़ी पाउचेस मिलते हैं और ब्यूटीफुल से मग्स भी यहाँ पे रखे गए हैं, साथ ही साथ वाटर ग्लासेस भी दिए गए हैं। अगर आपको और टी कॉफ़ी चाहिए हो या वाटर चाहिए हो तो आप रूम सर्विस को कॉल करके और भी अपने रूम में ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं फ्री में, और ये अपने साथ आप घर भी लेके जा सकते हैं अगर आप कंज्यूम नहीं कर पाते हैं अपने स्टे में। आई होप वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को थम्सअप क्लिक करके लाइक करें और इस वीडियो का लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। यहाँ पे सब रूम्स आपको गार्डन व्यू के मिलते हैं क्योंकि पूल गार्डन एरिया के अंदर सेपरेटली बनाया गया है। रूम में एंट्री के लिए आपको की कार्ड मिलता है, पर्सनलाइज्ड टेम्परेचर कंट्रोल मिलता है जिसको आप अपने कंफर्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी स्पेशियस कबर्ड मिल जाता है आपको अपना सामान रखने के लिए। इस कबर्ड के अंदर आपको आयरन मिल जाती है, आयरन बोर्ड मिल जाता है, क्लोथ्स टांगने के लिए हैंगर्स मिल जाते हैं, एक सेफ मिलता है अगर आप कुछ वैल्यूएबल्स कैरी कर रहे हैं अपने साथ और उसको संभाल के रखना चाहते हैं तो। साथ ही साथ यहाँ पे लॉन्ड्री बैग मिलता है, बट यहाँ पे लॉन्ड्री चार्जेस बहुत हाई है तो आई वुड रिकमेंड कि यहाँ पे लॉन्ड्री आप ना ही कराएं। चलिए अब देखते हैं यहाँ का वॉशरूम कैसा है। होटल रूम का वॉशरूम काफ़ी नीट और क्लीन था। वॉशरूम में आपके बेसिक चीज़ें जैसे हैंड सोप, बॉडी लोशन और बहुत सारे टॉवल्स आपको मिल जाते हैं, शेल्फ़ के ऊपर भी और शेल्फ़ के नीचे भी। वॉशरूम में चार्जिंग प्लग्स और हाई स्पीड हेयर ड्रायर भी लगा हुआ है। अगर आप चाहें तो और भी आइटम्स जैसे शेविंग किट, डेंटल किट, वेंटी किट, शू मिट, कॉम्ब और स्लीपर्स अपने रूम में गेस्ट सर्विस को कॉल करके मंगवा सकते हैं। मैंने ये सारी चीज़ें मंगवाई थी और अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरे को क्या क्या मिला है कॉल करके ये चीज़ें मंगवाने के बाद। वॉशरूम का साइज़ ओके था बट काफ़ी नीट और क्लीन था। यहाँ वॉशरूम के अंदर भी आपको एक टेलीफोन मिल जाता है जिससे आप रिसेप्शन या कहीं पे भी कॉल कर सकते हैं होटल के अंदर। आपका बाथिंग एरिया काफ़ी अच्छा था और यहाँ पे शैम्पू, कंडीशनर और बॉडी वॉश सेपरेटली प्लेस थे। ये मैंने रूम सर्विस को कॉल करके स्लीपर्स मंगवाए हैं। आप अगर दो लोग हैं या तीन लोग रह रहे हैं एक रूम में तो आप उस हिसाब से अपने स्लीपर्स या इनकी क्वांटिटी मंगवा सकते हैं। ये आपको डेंटल किट मिलती है जिसमें टूथपेस्ट, टूथब्रश मिलता है, साथ ही साथ शेविंग किट में आपको शेविंग जेल और एक रेज़र मिलता है। मुझे होटल रूम में बाथरूम्स में रहना बहुत अच्छा लगता है तो मैंने यहाँ पर दो बाथरूम्स भी ऑर्डर किए हैं जो कि काफ़ी नीट एंड क्लीन वाइट कलर के बहुत बढ़िया दिख रहे हैं।
चेक इन के बाद फ्रेश होने के बाद अब हम चलते हैं अपने डाइनिंग एरिया की तरफ, क्योंकि शाम हो गई है और देखते हैं कि डिनर में क्या है। साथ ही साथ मैं आपको ब्रेकफास्ट भी दिखाऊंगा। यहाँ पे फूड के लिए ईटरी रेस्टोरेंट है और एक बार है जो कि साथ साथ ही बने हुए हैं। यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी के आपको कॉकटेल्स, मॉकटेल्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स मिल जाती हैं। साथ ही साथ रोज यहाँ पे डिनर बुफे लगता है जिसमें बहुत सारे वैरायटी के फूड आइटम्स होते हैं। यहाँ के बुफे डिनर की कॉस्ट है 1000 रुपीज़ पर पर्सन, बट मेरे पास डाइन आउट की पासपोर्ट मेंबरशिप है तो मुझे 1-on-1 बुफे की ऑफर यहाँ पे मिल गई थी और 1000 रुपये के अंदर हम दो लोगों ने यहाँ पे मस्त फुल बुफे खाया है। बुफे के अंदर आपको इंडियन के साथ साथ चाइनीज़ की ऑप्शंस भी मिल जाती हैं। साथ ही साथ आपको दाल मखनी, पनीर की आइटम, नॉनवेज में आपको चिकन, फिश और काफ़ी कुछ मिल जाता है। अगर यहाँ के डिनर बुफे को रेट करना हो तो यहाँ पे मैं इसको दूंगा 8.5 out of 10, क्योंकि बाहर के काफ़ी 5-star होटल्स के अंदर जो रेस्टोरेंट हैं उनके अंदर मैंने फूड खाया है जो कि काफ़ी लाजवाब होता है और इससे थोड़ा सा बेटर होता है। बुफे में स्वीट्स के भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं जो आप ट्राई कर सकते हैं, जैसे हलवा और स्मॉल केक्स जो कि काफ़ी डिलीशियस थे। चलिए अब चलते हैं अपने ब्रेकफास्ट बुफे की तरफ, जो कि काफ़ी स्पेशल रहा मेरे विजिट पे, क्योंकि एक दिन मुझे मिले आलू पूड़ी और गरम गरम पराठे, वो भी आलू के स्टफ पराठे। देखिए क्या मस्त गरम धुआं निकल रहा है इसके अंदर से, और सच बता रहा हूँ यहाँ के आलू पूड़ी मेन कोर्स जो रात को मैंने खाया उससे बहुत ज़्यादा बेस्ट थे। इसको मैं 10 out of 10 दूंगा। आप अगर चाहें तो अलग अलग आइटम्स जैसे डोसा भी यहाँ पे ऑर्डर कर सकते हैं, ये ऑन रिक्वेस्ट बेसिस पे आपको मिल जाता है। नेक्स्ट डे में मैंने खाए थे पनीर के पराठे, साथ ही साथ मुझे मिल गए थे छोले भटूरे जो कि बहुत फेवरेट हैं, आई होप आपके भी फेवरेट होंगे। साथ ही साथ यहाँ पे पूरा इंग्लिश बुफे भी अवेलेबल है, इंग्लिश मेन्यू भी अवेलेबल है और इंडियन में भी बहुत सारी आइटम्स हैं। ब्रेकफास्ट के बाद फ्रेश होके अब चलते हैं अपने गार्डन एरिया की तरफ और देखते हैं यहाँ पे होटल क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको ऑफर कर रहा है जो कि आप यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ। यहाँ का पूल काफ़ी नीट एंड क्लीन था, बट मैंने सर्दियों में विजिट किया था तो यहाँ पे स्विमिंग अलाउड नहीं थी उस टाइम पे। अगर आप चाहें तो यहाँ पे आके आउटडोर गेम्स खेल सकते हैं। यहाँ रिसेप्शन पे जाके आप बैट बॉल ले सकते हैं, साथ ही साथ रैकेट और चिड़ी भी ले सकते हैं अगर आप गार्डन एरिया में खेलना चाहें तो। जैसा मैंने बताया था इसका गार्डन एरिया काफ़ी बड़ा और लश ग्रीन है एकदम। साथ ही साथ यहाँ पे इंडोर गेम्स भी बहुत सारी अवेलेबल है, अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो वो यहाँ पे इस एरिया के अंदर आके काफ़ी सारी गेम्स एंजॉय कर सकते हैं। आई होप वीडियो अच्छा लग रहा होगा, बट अभी कहीं मत जाइए क्योंकि अभी मुझे आपको बहुत सारे और एरियाज़ और फैसिलिटीज़ के बारे में इस होटल की बताना है। बट अभी के अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके, और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो का लिंक शेयर करें और वीडियो को थम्स अप क्लिक करके लाइक करें। आई एम श्योर बचपन में आप सब ने कभी ना कभी साइकिलिंग ज़रूर की होगी और आपके बच्चों को भी ये पसंद होगी। यहाँ पे साइकिलिंग की फैसिलिटी अवेलेबल है एकदम फ्री में अगर आप यहाँ पे स्टे कर रहे हैं तो। हमने यहाँ पे साइकिलिंग करके बहुत एंजॉय किया। आप गार्डन एरिया के अंदर भी साइकिलिंग कर सकते हैं या फिर होटल के एरियाज़ के अंदर भी आप साइकिलिंग कर सकते हैं, जैसे पार्किंग एरिया के अंदर, और इसने हमारे बचपन की यादें ताज़ा कर दी। जिम फ्रीक्स के लिए यहाँ पे एक काफ़ी बड़ा फिटनेस सेंटर भी है जो कि 24 घंटे खुला रहता है अपने कस्टमर्स के लिए जो होटल में स्टे कर रहे हैं।
आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा जिम एरिया है और ये सारी मशीन्स जो भी यहाँ अवेलेबल है वो सारी ऑपरेशनल हैं। अगर आपको मेरा होटल व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को थम्स अप क्लिक करके लाइक करें। आपकी कोई भी क्वेरी हो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा आपको। अगर आप कोई और होटल का व्लॉग देखना चाहते हैं, जैसे मैंने विज़िट किया था हयात रिजेंसी न्यू दिल्ली और ITC ग्रैंड भारत, उसके वीडियोज़ मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है, आप उनको क्लिक करके वो वीडियोस देख सकते हैं। साथ ही साथ मुझे बता सकते हैं और कौन से होटल्स के बारे में आप जानना चाहते हैं, मैं उधर विजिट करके उसका व्लॉग बना के आपको पूरी डिटेल्स प्रोवाइड करूँगा। अब मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और अपना ध्यान रखिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।